हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जेके नीट हब एग्ज़ाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर बोपी की तरफ जो भी एंट्रेंस हुए हैं, अब एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। चाहे वो नर्सिंग की बात करें, चाहे पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं सभी उन कैंडिडेट्स को जिनकी सिलेक्शन हुई है पैरामेडिकल कोर्सेज में। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं बोपी की तरफ से, जो एंट्रेंस कंडक्ट किया गया फॉर द सेशन 2020-21, उनको फ़ी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर गवर्नमेंट मेडिकल बारामूला में एडमिशन के लिए जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल, सभी उन कैंडिडेट्स को जिनको पैरामेडिकल कोर्सेज अलाट हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में। उसके बाद 10+2 मार्कशीट, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है अगर आपके पास कैटेगरी है तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जिसमें आपको मेंशन करना है कि आपने कोई भी 10+2 के बाद कॉलेज अलॉट ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म, आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद फ़ी जो है वो 9,100 रुपीज़ जो है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आपको फ़ी डिपॉज़िट करनी है। उसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट्स और कैंडिडेट्स को सबमिट करने हैं फोटोग्राफ्स, कॉपीज, टू सेट्स ओरिजिनल सभी सर्टिफिकेट के साथ। देखिए, सभी कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि दूसरे कॉलेजेस में क्या फ़ी रहेगी। आपने देखा स्कीम्स में टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए 18,000 समथिंग फ़ी है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर 9,000 फ़ी जो है पहले सबमिट करनी है। अब बाकी कॉलेजेस की तरफ से भी ऑफिशियली जब फ़ी का जो नोटिस है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो भी शेयर कर देंगे। और इस तरह से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले से भी पता कर पाए, लेकिन ऑफिशियली और बिल्कुल सही जो फ़ी रहने वाली है वही आप सबसे शेयर करनी है। बाकी कॉलेजेस में भी अप्रॉक्स पैरामेडिकल के लिए आपको जो है वो यही फ़ी रह सकती है अप्रॉक्स 9,000, और यहाँ पर 10,000-15,000 अलग अलग भी रह सकती है। बाकी कॉलेजेस की तरफ से भी हम इंफॉर्मेशन जो है आप सबके लिए लेकर आएंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो जो बिल्कुल सही सोर्स हो, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब नोटिस आया है तो आप सबसे शेयर किया हमने, और बाकी कॉलेजेस में भी जो इसी तरह एडमिशन के लिए नोटिस आ रहे हैं तो वो आप सबसे शेयर करेंगे हम, जिसमें साफ तौर पर आपको कितनी फ़ी सबमिट करनी है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वो मेंशन होगा, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए भी स्कीम्स में जो है वो फ़ी जो सबमिट करनी थी 12,500 फ़ी थी, वो आपको सबमिट करनी है एडमिशन के टाइम, ठीक है। और बाकी कॉलेजेस में भी जो है वो अलग से नोटिस आएगा सभी कॉलेजेस के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन आएगी। जो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, जिनकी सिलेक्शन हुई है उनको उस डेट के अंदर अपनी जो है फ़ी सबमिट करनी है, ठीक है। तो क्या फ़ी रहेगी इसके बारे में हम आप सबसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है सभी ऐसे कैंडिडेट्स, बाकी कॉलेजेस में भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने रेडी रखिए। आप जैसे हम बात करें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, आपके पास यही डॉक्यूमेंट्स सभी कॉलेजेस में, बाकी कॉलेजेस में भी
आपको ज़रूरत पड़नी है इनकी, ठीक है। 10+2 मार्कशीट और स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं क्या एफिडेविट को लेकर, क्या ज़रूरी है एफिडेविट जो है वो, तो ये ज़रूरी है। आपको एफिडेविट जो है वो, जैसे स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स ने भी एफिडेविट एक जो है वो वहाँ पर उन्होंने भी मांगा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सभी कॉलेजेस के लिए ये ज़रूरी है, तो ये एफिडेविट सभी कैंडिडेट्स को जो है वो बनाना ज़रूरी है और सभी कॉलेजेस में बनाना ज़रूरी होगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि अगर हम ये ना दें तो, लेकिन कॉलेजेस की तरफ से ये जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो आपको ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप उन तक ज़रूर लेके जाएं। इसीलिए आप पहले से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी जो है वो बनानी है एफिडेविट, तो वो जिनकी सिलेक्शन हुई तो वो अपनी एफिडेविट जो है वो बना लें, ठीक है ना। तो क्या होता है आगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे, कितनी फ़ी रहेगी, इसके बारे में आप सबसे शेयर कर देंगे। क्योंकि फ़ी को लेकर आगे भी इन फ्यूचर जो भी कैंडिडेट्स, चाहे वो बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरी है जानना, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है ना। जैसे एफिडेविट को लेकर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने एडमिशन ले ली है, जैसे कुछ और कॉलेजेस में एडमिशन ले ली होगी, ठीक है ना। तो वो क्या करें, अब उनके पास क्या ऑप्शन है, तो उनकी सिलेक्शन हो चुकी है यहाँ पर, अब वहाँ पर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो इन केस उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होगी, और जो और सर्टिफिकेट्स हैं जो उन्होंने सबमिट कर दी हैं, तो उनके लिए क्या, और कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ली है, तो वो क्या मेंशन करें एफिडेविट में। तो वो चीज़ें देखने के लिए है, वो आप देख लीजिए। आप जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला है, इसका जो जिनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं यहाँ पर, उनसे आप बात करके ये कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं कि क्या करना होगा ऐसे इन केस अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जो है एक अंडरटेकिंग देना होगा, ठीक है। तो वो भी कुछ मेंशन, तो ये कुछ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ फ़ोन नंबर्स हैं, इन पर कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। 0195223-8139 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में, तो आप इनसे बात करके अपने जो है कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी जो भी फ़ी रहेगी, जो भी नोटिस आता है वो आप सबसे ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप सबसे हम शेयर करेंगे, ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर पाएँ, और आगे आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें किस तरह से क्या प्रोसेस रहता है सभी इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। सो सभी ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।